नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। भारत 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश जश्न के माहौल में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह पर भारत में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। लोग देशभक्ति जज्बा दिखा रहे हैं और बॉलीवुड स्टार्स भी देश की आजादी का जश्न में शामिल हो रहे हैं और देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार बॉलीवुड स्टार्स देशभक्ति का जज्बा दिखाकर ट्रोल हुए हैं? दरअसल उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में हुई गलतियों पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया है। शिल्पा शेट्टी ने साल 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दी थी। हालांकि शिल्पा शेट्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। तापसी पन्नू ने साल 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 71वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दी थी। हालांकि तापसी पन्नू ने अपनी गलती का सुधार कर लिया था, इसके बावजूद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी थी। ईशा गुप्ता ने साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दी थी। जब सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया तो ईशा गुप्ता ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। इसके बाद उनकी ट्रोलिंग बंद नहीं हुई थी। जावेद अख्तर ने साल 2020 में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं 15 अगस्त को देर रात 11 बजे दे दी थी। जावेद अख्तर के द्वारा देर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने पर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। परिणीति चोपड़ा ने साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं 15 अगस्त को देने के बजाय 16 अगस्त को दे दी थी। परिणीति चोपड़ा देर से स्वतंत्रता दिवस मनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने पर जमकर ट्रोल हुई थी। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।